दोस्तों, अभी हम कटिहार के एक और शॉप पे आ चुके हैं, हिंदुस्तान बैग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नंदिकेश ब्लॉग और इस चैनल पे तमाम तरह के बिजनेस की जानकारियां देते हैं। आज जो हम आपको बताने वाले हैं, आज हम कटिहार डिस्ट्रिक्ट जाने वाले हैं सेल करने के लिए, और वहां से हम 50,000 रुपया कम से कम का आज सेल करेंगे। तो आज दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी आप देख सकते हैं मेरा सैंपल पैकिंग हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूं सैंपल पैकिंग हो रहा है, और यहां से मैं थोड़ी देर के बाद निकल जाऊंगा। ये देखिए, मेरा इसमें सैंपल पैकिंग हो रहा है बैग का, जितने भी कैटेगरी का बैग है, ये सैंपल अभी यहां पे पैकिंग होगा और उसके बाद मैं इस स्कूटी से कटिहार के लिए निकल जाऊंगा। अभी मैं फैक्ट्री में हूँ, मॉर्निंग का समय है, और देखते हैं दिन में आज कटिहार में कितना सेल होता है। मेरा टारगेट 50,000 तक का है और ऊपर कितना जा सकता है। आप लोग भी इस तरह से बने रहें, आपको पूरा यहां से लेके कटिहार तक जाने में जो भी कठिनाइयां आएगी, जो भी दिक्कतें आएगी, वो सब हम लाइव आप लोग को दिखाते रहेंगे। इसी तरह तो अभी हम पुल पे आ गए हैं, भागलपुर ब्रिज है ये, आप देख सकते हैं ब्रिज पे आ चुके हैं, और यहाँ से अब ब्रिज पार करेंगे, उसके बाद कटिहार का रास्ता है, फिर निकलेंगे। अभी हम ब्रिज पे हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी आ रही है, जा रही है। अभी हम ब्रिज पे हैं दोस्तों, भागलपुर का ब्रिज है और ये ब्रिज टप रहे हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे क्या दिक्कतें आई, क्या कठिनाइयाँ आई। तो आप बने रहें, क्या मेरा आज 50,000 का सेल होता है या उससे ऊपर होता है या कम होता है, इसके लिए आप वीडियो ज़रूर देखते रहें। तो हम अभी आ गए हैं तेतरी दुर्गा स्थान मंदिर, माता का आशीर्वाद लेने के लिए, और उसके बाद यहाँ से आशीर्वाद लेके निकलेंगे अब, और तब निकलेंगे। रास्ते में पड़ता है भागलपुर कटिहार जाने के रास्ते में माता का मंदिर है, तो आशीर्वाद देना ज़रूरी है, तभी कार्य सफल होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम अभी आ गए हैं माता का आशीर्वाद देने के लिए। वीडियो देखते रहिए, इसी तरह आगे चलते जाएंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अभी हम NH-80 पे आ चुके हैं, अभी तक 14 नंबर पे चल रहे थे, अब हम NH-80 पे आ चुके हैं। अब यहाँ से पूर्णिया और कटिहार लगभग 60 से 70 किलोमीटर है, वो भी हम आपको चलिए दिखाते हैं कितने किलोमीटर की दूरी अब बची हुई है। लगभग हमने आधा घंटा गाड़ी चला ली है, और लगभग 1 से 1.5 घंटा गाड़ी चलाना है, तब जाके हम कटिहार पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं ये NH है, यहाँ ढाबा सब है, आप देख सकते हैं, और रोड अभी सुबह का समय है तो फ्री मिल रहा है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। दोस्तों बने रहिए, क्या मेरा बैग 60,000 का आज बिकता है या उससे ऊपर बिकता है या कम बिकता है, इसकी जानकारियां आपको मिलेगा जब हम कटिहार पहुंचेंगे, दुकानदारों से मिलेंगे। उसके लिए आपको मेरे साथ आज बने रहना होगा दोस्तों, तो आप बने रहिए। यहाँ पे हवा भरता है गाड़ी, तो मैं अभी बीच रास्ते में हूँ, और यहाँ पे हमको अभी देखिए, ये अर्जुन कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज अर्जुन कॉलेज है, और यहाँ देखिए अभी तक बाढ़ का पानी ख़त्म नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं पानी अभी है ही दोनों साइड, NH है और वहाँ अर्जुन कॉलेज है। अभी रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ, सोचा मैं आपको ये दिखा दूँ दृश्य, देख सकते हैं तरह से ये लोग रह रहे हैं, पानी के बीच में रह रहे हैं, झोपड़ी बना के किसी तरह,
सिग्नल आ रहा होगा आप लोगों को। अर्जुन कॉलेज है, इधर देखिए लोग रह रहे हैं, किनारे रोड के किनारे लोग ये सब रह रहे हैं, ये सब तो डूब गए हैं लोग रोड पे ही, इनके बीच में तंबू लगा के रह रहे हैं। सरकार की क्या व्यवस्था है इसके लिए, अपना मतलब आके आप पढ़ाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे किसी तरह लोग गुजर बसर कर रहे हैं, पानी के कारण अभी तक समस्या खत्म नहीं है। देख सकते दोनों साइड ये तो स्थिति है यार सीमांचल क्षेत्र की। वीडियो में दोस्तों बने रहें, कुछ वैसा रास्ते में मिलेगा तो दिखाते भी जाएंगे। बहुत समस्या बाहर समाप्त हो, ये मिला हमको कटिहार। अभी यहाँ से 57 किलोमीटर है, NH 31 है, आप देख सकते हैं कटिहार यहाँ से 57 किलोमीटर है। तो अभी हम लगभग 2 घंटा पकड़ के चलिए, यहाँ से और लगेगा कम से कम तो 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। देख सकते हैं 57 किलोमीटर है, ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है कटिहार जाने के रास्ते में। ये कोसी का है बेल्ट और यहाँ आप देख सकते हैं गांव, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा। हम लोग अभी NH 31 पे हैं, गाड़ी आ रहा है, बस जा रहा है। कुरसेला यहाँ से 7 किलोमीटर लगभग हम लोग कुरसेला पहुँचने वाले हैं, और कुरसेला से कटिहार 50 किलोमीटर लगभग है। लगभग ये रेलवे ट्रैक है, दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं माँ गंगे एवं कोसी की संगम स्थल नगर पंचायत कुरसेला के आसपास, और यहाँ से पूर्णिया 49 किलोमीटर, कटिहार भी 49 किलोमीटर है, आप देख सकते हैं सिल्लीगोड़ी 216 किलोमीटर यहाँ तक अभी हम आ गए हैं। ये कोसी और गंगा का संगम स्थल है, यहाँ पे देख सकते हैं भयंकर एक एक्सीडेंट हुआ है, हाइवा और ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर उधर चला गया, भूसे से लदा हुआ था, सोचे वीडियो बना लें। कब हुआ एक्सीडेंट? अभी तो हम देख के कब हुआ मेरे को मालूम। अच्छा आप लोगों को ना है मालूम? अच्छा कल रात में हुआ होगा? नहीं कल नहीं हुआ, सुबह हुआ है। यहीं पे घर है आप लोग का? कहाँ घर है? इंदिरा गांव। अच्छा अच्छा किधर है? इधर है, आगे है। अच्छा भाग गया है ड्राइवर साहब?
ठीक। देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रक से धक्का मार के यहाँ पे इसी तरह एनएच पे जब चलिएगा तो आपको इस तरह का विजुअल आपको एक आध मिल ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कटिहार की ओर, यहाँ से 50 किलोमीटर कटिहार है और निकलते हैं कटिहार की ओर। यहाँ से पेट्रोल भराया गया, हमारे दोस्तों यहाँ से भी अभी कटिहार लगभग 22 किलोमीटर है, आप देख सकते हैं अभी और 22 किलोमीटर चल रहा है और कटिहार पहुँच जाएंगे। 22 किलोमीटर और चल रहा है कटिहार के लिए दोस्तों, और उसके बाद अभी कटिहार थोड़े ही देर में आधा घंटा में पहुँच जाएंगे। बहुत दूर है दोस्तों, गाड़ी चलाते चलाते हालत ख़राब हो गया है, गाड़ी का मोबिल ख़त्म हो गया तो मोबिल बदलाने के लिए अभी रुके हुए हैं यहाँ पे। देख सकते हैं गाड़ी में मोबिल चेंज हो रहा है, गलत जगह कर रहे हैं क्या? हथौड़ी और का जरूरी नहीं पड़ता था? हथौड़ी हाथना लगता ही, अच्छा हाथ बना हुआ ही है, अच्छा जो है ना मोबिल चेंज करवा रहे हैं दोस्तों गाड़ी का मोबिल। हमको लगा दो बार गाड़ी अपने आप रुक गया तो मोबिल चेंज कर लेते, अच्छा दूर है लगभग 80 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। यहाँ से कटिहार क्या किलोमीटर है? यहाँ से कटिहार मतलब शहीद चौक गया, 5 किलोमीटर अब बचा है कटिहार, अब निकलेंगे जैसे गाड़ी में मोबिल चेंज होगा निकल जाएंगे। पार्टीशन है और 4:30 तो वीडियो देखते रहिए दोस्तों, बने रहिए। गाड़ी में मोबिल बदली हो गया है और अब हम यहाँ से निकलेंगे, 5 किलोमीटर दूरी पे है, जल्दी कटिहार पहुँच के मिलते हैं आपको। हम कटिहार आ चुके हैं और अब यहाँ दुकान से मिलते हैं। कटिहार दोस्तों आ चुके हैं और यहाँ से देख सकते हैं कटिहार जंक्शन, ये यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, आपको हम दिखाते हैं कटिहार जंक्शन, बहुत 2.5 किलोमीटर बचा है। दुकानदार से दोस्तों मिलते हैं और दुकानदार देखते हैं अगर वीडियो बनाने के लिए राजी होते हैं तो वीडियो भी बनाएंगे, पहले बातचीत करेंगे, तो देखते रहिए वीडियो। अब तो विजिटिंग का टाइम आ चुका है, हम सिटी इंटर कर चुके हैं कटिहार का, अब यहाँ से हम बैग का दुकान पे अपना सैंपल दिखाएंगे और ऑर्डर लेने का प्रयास करेंगे, आपको वीडियो भी दिखाएंगे जहाँ तक संभव होगा। टेक केयर दोस्तों, बने रहे वीडियो में। आ चुके हैं कटिहार, ये है रेलवे ट्रैक, तो हम आ गए हैं दुकान पे, देख सकते हैं फैंसी बैग है और यहाँ पे हमको ऑर्डर भी मिला है बैग का, और इनसे अब बात करते हैं। जी आपको यात्रा बैग का प्रोडक्ट कैसा लगा सर? ठीक है, ठीक है, आपने ऑर्डर भी दिया, हम भागलपुर से आए हैं और ये कटिहार पूर्णिया हर जगह सप्लाई दे रहे हैं, और आपका फैंसी बैग का स्टोर है, यहाँ पे आपने बैग को देखा और हमको ऑर्डर भी दिया, और जल्द ही यहाँ पे माल मेरा डिलीवरी हो जाएगा दोस्तों। तो इनसे ऑर्डर मिल चुका है हमको, लगभग 100 पीस का ऑर्डर मिला है इनसे, तो वीडियो को देखते रहें। यहाँ से ऑर्डर मिल चुका है, दूसरे स्टोर के पास चलते हैं, यहाँ से जितना बात हो उसका बात की आपको दिखाए भी, फिर अब दूसरे स्टोर के पास चलेंगे, यहाँ से फैंसी बैग से ऑर्डर मिल चुका है, दूसरा स्टॉप के लिए हम निकलते हैं, वहाँ भी आपको दिखाएंगे अगर बात करने के लिए तैयार होगा तो। अभी हम कटिहार के एक और शॉप पे आ चुके हैं, हिंदुस्तान बैग, देख सकते हैं हिंदुस्तान बैग है, और यहाँ पे भी हमको वसीम जी मिले हैं, इनका ये शॉप है कटिहार में, और आपको मेरा प्रोडक्ट कैसा लगा सर? प्रोडक्ट तो बढ़िया लगा जी,
ओम यात्रा बैग का जो प्रोडक्ट है वो आपको बहुत पसंद आया और आपका दुकान भी बहुत सुंदर है, सुंदर सुंदर बैग रखे हुए हैं और आपका ट्रॉली का भी काम है, ट्रॉली का ये स्पेयर पार्ट का भी इनका काम है, आप देख सकते हैं चक्का उक्का है। हाँ तो अभी फिर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे सर आपके स्टोर पे, तो ऑर्डर सर मिलेगा संभावना है जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगले बार कटिहार आएंगे तो सर से एक बार और मिलेंगे, इस बार सर ने प्रोडक्ट देख लिया है, सर को प्रोडक्ट पसंद आया है, अगले बार आएंगे तो सर ऑर्डर देंगे यहाँ पे। वीडियो को देखते रहे दोस्तों। तो कटिहार में तीसरे शॉप बैग हाउस पे आ चुके हैं और प्रोडक्ट हमने दिखा दिए हैं ये सर। और सर सर आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, प्रोडक्ट कैसा लगा? तो सर को प्रोडक्ट पसंद आया है यहाँ और अगले बार आएंगे तो सर से ऑर्डर भी मिलने की संभावना है। अगले बार आएंगे तो सर कुछ ऑर्डर भी दीजिएगा, बैग सर को पसंद आया है, 6 महीने का हम लोग गारंटी दे रहे हैं। ये बैग हाउस है यहाँ पे कटिहार में, आप आके यहाँ से बैग भी परचेज कर सकते हैं। हम लोग उधर जितना भी मंगल बाजार में था सारा दुकान विजिट कर लिए हैं और कुछ जगह ऑर्डर मिला है, कुछ जगह नेक्स्ट टाइम ऑर्डर मिलने की संभावना है। और अब हम जा रहे हैं कटिहार की बड़ी बाजार की तरफ जहाँ पे हमको बताया गया कि वहाँ भी 6-7 दुकान है बैग का, तो आप लोग बने रहिए, देखते हैं वहाँ पे क्या ऑर्डर मिलता है या नहीं, वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं एक और बैग शॉप पे, चूड़ी पट्टी बड़ा बाजार, ये बैग मालिक हैं यहाँ पे शॉप का और आपका क्या नाम है? शाहबाज जी हैं, इनका दुकान का नाम रिंकू ब्रदर्स हैं। इन्होंने हमको 100 पीस का ऑर्डर दिया और यहाँ से मतलब कटिहार से इनका दुकान भी अब विजिट हो चुका है, लगभग ऑलमोस्ट कटिहार का लगभग दुकान विजिट हो चुका है सर दोस्तों। तो अब होगा थोड़ी देर में भागलपुर के लिए निकलेंगे। आपको बैग कैसा लगा सर? बैग बढ़िया लगा, बैग इनको बहुत पसंद आया और ऑर्डर भी सर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और फिर आते हैं सर आपके स्टोर पे। दोस्तों अब हम आ चुके हैं आशिक बैग हाउस में, यहाँ पे भी सैंपल दिखा चुके हैं इनको। आपको मेरा बैग कैसा लगा सर? प्रोडक्ट तो बढ़िया आता है जी जी, प्रोडक्ट तो क्वालिटी भी सही है जी, रेट भी जेन्युइन है जी, इसलिए दिक्कत नहीं है। तो माल अच्छा है सर, भी ऑर्डर दे दिए हैं और जल्दी यहाँ पे माल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बस के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम लोग डिलीवरी भी आसानी से करवा देते हैं दोस्तों। तो आज हम ये कौन सा बाज़ार है कटिहार? आपको बड़ा बाज़ार चूड़ी पट्टी, बड़ा बाज़ार चूड़ी पट्टी में ये दुकान है इनका। आप कटिहार से अगर हैं तो यहाँ आके यात्रा बैग आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों, जेन्युइन रेट पे मिलेगा, आके एक बार ज़रूर लीजिए, गारंटी भी हम लोग के कंपनी में मिलता है। ये इनसे आप कुछ कहना चाहते हैं? आइए शॉप पे आइए, रेट जेन्युइन रहेगा, क्वालिटी भी बेस्ट रहेगा, क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं होगा। धन्यवाद सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर अब आगे देखते रहिए वीडियो दोस्तों। दोस्तों अब हम कटिहार से भागलपुर की ओर निकल चुके हैं, कटिहार में जितना दुकान विजिट करना था हमने विजिट कर लिया और अब भागलपुर के लिए निकल रहे हैं दोस्तों। तो पहुँच के हम आपको बताएंगे कितना मेरा बैग बिका, कितना सेल हुआ, मेरा 50,000 का सेल हुआ कि नहीं हुआ, कितनी मुश्किलें आई हैं जो मैंने रास्ते में आपको दिखाई, सारा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं अकेला आया। तो मैं आपको जाके अभी ब्रीफ कर लूँ, दोस्तों अभी अभी मेरा गाड़ी अचानक बंद हो गया है, इतना चलाए हैं आज गाड़ी को तो गाड़ी भी बंद हो चुकी है, देखते हैं आप कितना देर में स्टार्ट लेती है। अभी हम कटिहार से लगभग 10 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं भागलपुर के लिए, रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते मेरा भी पूरा हालत ख़राब हो चुका है और गाड़ी का भी हालत ख़राब हो चुका है, गाड़ी अभी
अभी तक देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है मेरी, आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, मगर यहाँ पे रेड लाइट जल रहा है यहाँ पे, तो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं दोस्तों। स्टार्ट तो गाड़ी हो चुकी है, अब सफ़र कहाँ तक चलता है, गाड़ी साथ देती है कि नहीं देती है, पता चलेगा चलाने के बाद। पूरा हालत खराब हो चुका है मेरा, लेकिन काम करना है, इस जज्बे से हम गिरे हुए हैं। फैक्ट्री सब खोल लेते हैं लेकिन उसको तो रनिंग में लाना वो अपने हाथ में है। जब तक आप सेल नहीं करिएगा तब तक कोई उपाय नहीं। सेल करने के लिए आपको हर जगह जाना होगा, हर जगह विजिट करना होगा। बस निकला एक खतरनाक सब गाड़ी चल रहा है। मिलते हैं दोस्तों, आप हम मेरे साथ बने रहें। मेरा तो गाड़ी चलाते चलाते हालत खराब हो चुका है और बहुत कहानियां हैं। चलिए हम आपको भागलपुर पहुंच के बताते हैं, मेरे साथ बने रहे, रास्ते में क्या होता है, रास्ते में हर चुनौती को सामना करना होगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो आपको एक चीज का फायदा होगा कि चुनौती कैसे हैंडल होता है वो हम सिखा देंगे दोस्तों। उससे क्या होगा, आपके मन में एक इच्छा होगा कुछ कर गुजरने, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। और भी जो हमको दिक्कतें आई है हम सब चीज आपको बताएंगे, क्या क्या समस्याएं आती है मार्केटिंग में। ऑलमोस्ट हर दुकान का मैंने आपको विजिट करा ही दिया, ज़्यादातर दुकान नहीं चाहते हैं मेरा मतलब वीडियो बनाना, वहाँ पे थोड़ा वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है वीडियो बनाने में, तो उसको देखते हैं। यहाँ से दोस्तों अभी भी भागलपुर 69 किलोमीटर बचा हुआ है। गिरावारी आ चुके हैं, गाड़ी चलाते चलाते तो हालत ख़राब है। अभी भी यहाँ से 69-70 किलोमीटर बचा हुआ है भागलपुर, 2 घंटा लगिए जाएगा, देखते रहिए वीडियो। गिरावारी आ चुके हैं, यहाँ से 70 किलोमीटर है भागलपुर, 2 घंटा लगेगा अभी भागलपुर जाने में, वीडियो देखते रहें। अंधेरा होने पे लगभग आधा दूर हम आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। भगवान को भी आप देख सकते हैं, आधा दूर से आके कुछ समय के लिए रुके हुए हैं। निकलते हैं अब यहाँ से, 5 मिनट करीब हमने यहाँ पे रुक के सोचे आपको पुल दिखा दें। ये पुल है, छोटा सा पुल है, ब्रिज है, यहाँ पानी जाता है, देख सकते बगल का। दोस्तों अभी अभी हम अपने कंपनी आ चुके हैं, देख सकते हैं, बात करते हैं आप सबसे। तो दोस्तों कल का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो इस कारण से आपको सेल नहीं बता पाया, रात में थक भी गए थे आते आते, तो हम फिर वीडियो नहीं बना पाए, मोबाइल भी ऑफ हो गया था। तो मैंने कटिहार से लगभग 50,000 का तो सेल नहीं हुआ, 40,000 रुपये का सेल हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा है। फिर अगले दिन कहीं और जर्नी होगा तो मैं नेक्स्ट दिन कोई और जर्नी होगा तो मैं उसका ज़रूर वीडियो डालूंगा।
तो जो सेल था मेरा कल का 40,000 रुपये का सेल हुआ दोस्तों। फिर देखते हैं किधर जाते हैं सेल के लिए, सेल ही आपको ऊपर लेके जाएगा, तो आप सेल पे आप लोग ध्यान दीजिए और निरंतर मेरे साथ बने रहिए। जल्दी कुछ और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कर देना।